शिरडी के साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा जिनके चिंतन मात्र से सभी परेशानियों का हल हो जाता है, और कहते हैं कि कोई सच्चे मन से उनका नाम ले तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम। शिरडी के साईं बाबा जिनकी ढेरों कहानियां और अनगिनत भक्तों के अनुभव उनके साथ होते हैं, ऐसे ही संत के कुछ रोचक व सत्य पर आधारित चमत्कार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक बार शिरडी के साईं बाबा प्रातः काल ही चक्की पर आटा पीसने बैठ गए। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया और उस पर हाथ से आटा पीसने वाली चक्की रखी। उसमें कुछ गेहूं डालकर आटा पीसना प्रारंभ कर दिया। सुबह सुबह जो भक्त बाबा के दर्शन करने आए वह ये सब देख आश्चर्यचकित रह गए। यह घटना जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि बाबा तो अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं, उनके पास तो कोई भी नहीं है, फिर बाबा क्यों आटा पीस रहे हैं। यह देखने के लिए शिरडी के सभी नर नारी मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। उनमें से निडर चार स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई आगे आईं और बाबा को वहां से बलपूर्वक हटाकर उनके हाथ से चक्की का कूटा लेकर और बाबा की लीलाओं का गुणगान करते आटा पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा थोड़े क्रोधित हुए, परंतु फिर स्त्रियों का भक्ति भाव देखकर वह शांत होकर मुस्कुराने लगे। सभी स्त्रियों के आटा पीसते पीसते ही उनके मन में यह विचार आया कि ना तो बाबा का घर द्वार है, ना ही उनके कोई बाल बच्चे हैं और ना ही कोई देखरेख करने वाला, और बाबा खुद ही अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। अतः उनको भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है। बाबा परम दयालु हैं, हो सकता है कि वह यह आटा हमारे लिए पिसवा रहे हों। यह गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। आटा पीसने के तत्पश्चात आटे को चार भागों में विभक्त किया और अपने अपने भाग को लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगी। अब तक शांत बैठे शिरडी के साईं बाबा यह देख क्रोधित हो उठे और कहा कि स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से ले जा रही हो? ये बोल बाबा मुस्कुराने लगे और कहा कि इस आटे को शिरडी की सीमा पर बिखेर आओ। बाबा का आटा पीसने से क्या मतलब था, ये सभी भक्तों के मन में था। एक भक्त ने साहस करके और डरते डरते पूछ ही लिया कि बाबा आटा पीसने का क्या कारण था। बाबा ने निर्मता से हंसते हुए कहा कि ये गेहूं नहीं वन विशुचि का हैजा था, जिसे मैंने पीसकर नष्ट कर दिया। इससे शिरडी का एक भी भक्त हैजा का शिकार नहीं होगा। और सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में, वह लगभग 60 वर्ष तक रहे, उन्होंने प्रतिदिन आटा पीसने का कार्य किया। उनके आटा पीसने से लगता है कि उन्होंने अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन भक्तों की सेवा में लगा दिया। बाबा ने अपने भक्तों को 11 वचन दिए। बाबा ने अपने पहले वचन में कहा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी शिरडी में आएगा मैं उसकी सारी परेशानियां हर लूंगा। बाबा ने अपने दूसरे वचन में कहा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। उन्होंने कहा, जो भी मेरे मंदिर में आएगा मैं उसकी सभी परेशानियां व दुख हर लूंगा। बाबा ने अपने तीसरे वचन में कहा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। उन्होंने कहा, अगर मैं अपना शरीर त्याग कर भी चला जाता हूँ और कोई भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा तो मैं उसके लिए दौड़ आऊँगा। बाबा ने अपने चौथे वचन में कहा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने उसमें कहा कि अगर मैं चला भी जाता हूँ तो आप अपने मन में सच्चा विश्वास रखना और मेरी समाधि आपकी आस को हमेशा पूरी करेगी। बाबा ने अपने पांचवें वचन में कहा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा ने कहा कि मुझे हमेशा जीवित ही मानना और अपने अनुभवों से सत्य की पहचान करते रहना। बाबा ने अपने छठे वचन में कहा, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा ने कहा कि मेरी शरण में अब तक जो भी आया
वो कभी खाली नहीं गया। बाबा ने अपने सातवें वचन में कहा, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने कहा, जो भी भक्त मुझे जिस रूप में देखे, चाहे श्याम रूप में चाहे राम रूप में, मैं उसे उसी रूप में नजर आऊंगा। बाबा ने अपने आठवें वचन में कहा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा ने कहा, आप मुझसे जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, मैं आपको वह दूंगा, और ना ही मेरा कभी वचन झूठा जाएगा। बाबा ने अपने नौवें वचन में कहा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगो वो नहीं है दूर। आप बाबा के दर पे जाकर जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा, पर आपका भाव सही होना चाहिए। बाबा ने अपने दसवें वचन में कहा, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा ने कहा, जो भी मेरा स्मरण तन मन शक्ति तीनों चीज़ों से करेगा, उसको वह सब मिलेगा जो वह चाहता है। बाबा ने अपने 11वें वचन और आखिरी वचन में कहा, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। बाबा ने कहा, वो भक्त धन्य है जिन्होंने मेरी भक्ति तन और मन से की, मैं उनकी हमेशा हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। ये थे बाबा के 11 वचन। जिसने भी बाबा के इन 11 वचनों के अनुरूप चला, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। वैसे तो बाबा के ढेरों चमत्कार हैं, पर आज हम बात करेंगे बाबा के कुछ चमत्कारों की, जिनमें से पहला चमत्कार मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे बाबा के दूसरे चमत्कार की। शिरडी के साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए, यह चमत्कार सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि हजारों लोगों ने देखा। जिन बनियाओं ने शिरडी के साईं बाबा को दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया था, उन्हें अपनी इस बात पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये है बाबा का दूसरा चमत्कार। बाबा के एक भक्त चांद पाटिल, उनकी घोड़ी जिसे वह बहुत प्यार करते थे, वो कई महीनों से नहीं मिल रही थी। वह बाबा के पास आए, जिससे पहले कि वो कुछ कह पाते, बाबा ने जोर से एक आवाज़ लगाई, बिजली। जैसे ही ये आवाज़ सारे वातावरण में गूंजी, वैसे ही दूर से दौड़ती हुई चांद पाटिल की घोड़ी, जिसका नाम बिजली था, वह चांद पाटिल के समक्ष आकर खड़ी हो गई। इतने में ही चांद पाटिल बाबा के चरणों में गिर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जिस घोड़ी को मैं महीनों से ढूंढ रहा था, आपने उसे पल भर में ही ला खड़ा कर दिया। बाबा अपने बच्चों और भक्तों का स्वयं ही ध्यान रखते हैं। ये था बाबा का दूसरा चमत्कार। अब हम बात करेंगे बाबा के तीसरे चमत्कार की। बाबा अक्सर भोजन अपने हाथों से बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। एक बार खाना बनाते बनाते बाबा ने अपना हाथ आग के अंदर डाल दिया, जिससे बाबा का हाथ काफ़ी जल गया, और इसे देखकर सभी भक्त काफ़ी घबरा गए। बाबा से उसका कारण पूछने लगे कि बाबा आपने अपना हाथ क्यों जलाया। तब बाबा ने बताया कि मेरी एक प्रिय भक्त जो खाना परोस रही थी, उसका छोटा सा बच्चा आग के समक्ष जाकर अपने आप को जला लेता, इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए अपना हाथ जलाया। बाबा की यह लीला देखकर सभी की आंखें नम हो गई, क्योंकि बाबा किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये थे बाबा के कुछ अद्भुत और रोचक चमत्कार। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप तक पहुँच सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।